यहाँ पर सभी धर्म के लोग शांति और सद्भाव के साथ रहकर एकता की मिसाल पेश करते हैं। जबलपुर में पिछले दिनों धार्मिक स्थल को लेकर दो पक्षों में टकराव की स्थिति बन गई थी। जिला प्रशासन की तत्परता के बाद टकराव की स्थिति पर नियंत्रण किया गया था। जिला प्रशासन ने मंगलवार को दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस कंट्रोल रूम में बुलाकर दोनों पक्षों से बातचीत की। जिला प्रशासन द्वारा बुलाई गई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि मिलौनीगंज मछली मार्केट में स्थित वर्षों पुराने मंदिर के पास रेलिंग लगाई जाएगी, ताकि मंदिर में आस्था रखने वाले लोग वहां पर शांति पूर्वक पूजा पाठ कर सकें। इसके अलावा मंदिर के सामने स्थित मस्जिद के पास कचरे के ढेर को वहां से अलग कराया जाएगा, ताकि मुस्लिम समाज के लोग वहां पर नमाज अदा कर सकें। जिला प्रशासन के अलावा अधिकारियों और दोनों पक्षों के बीच आम सहमति पर मोहर लगाई गई। जिला प्रशासन ने कहा कि संस्कारधानी सांप्रदायिक भाईचारे के लिए जानी जाती है। यहां पर सभी धर्म के लोग शांति और सद्भाव के साथ रहकर एकता की मिसाल पेश करते हैं। दोनों पक्षों से बातचीत के बाद धार्मिक स्थल को लेकर जो मनमुटाव की स्थिति बन गई थी, वो अब खत्म हो गई है। जबलपुर से सुनील सेन के साथ निखिल साहू की रिपोर्ट। सर, उसकी पात्रता तभी तो बढ़ेगी आप लोग के साइन से। नहीं, वो तिवारी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। नहीं, आज उनकी वो आज है नहीं, आज है नहीं, लेकिन आत्मा सुन रही होगी, बहुत अच्छा काम करके आज वो आधार बन रहा है। हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एसपी साहब और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में, हमारे साथी अशोक गुप्ता जी, हमारे और भी जो साथ में थे मनोज सेन, सुरेन पांडे, ये हमारे बाजू में खड़े हैं बल्लू सोनी जी, बैठ के आपस में एक निर्णय लिया है शांति बनाए रखने का, वहाँ पे सद्भावना का। जो आपसी छोटी छोटी विवाद थे उनको हम लोगों ने आपस में बैठ के निपटा लिया। ग्रिल लगाना है, शेड लगाना है, या जो धार्मिक आयोजन करना है, जो भी विवाद था वो आज समाप्त हो गया है। और नए सिरे से हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि कभी भी भविष्य में कोई भी बात होती है, हम लोग आपस में मस्जिद कमेटी वाले स्थानीय लोग मिलके उसको निपटारा करेंगे। इतनी बात नहीं बढ़ पाएगी कि प्रशासन पुलिस वहाँ पे आए और एसपी साहब ने वहाँ पे अस्थायी या स्थायी रूप से जो भी एक पुलिस चौकी की बोल दिया है सुरक्षा के लिए, वहाँ शांति व्यवस्था के साथ सफाई व्यवस्था, रोशनी, कैमरा सबकी व्यवस्था हो गई है। इसके लिए प्रशासन का धन्यवाद, सबको इस बात के लिए धन्यवाद और जय हिंद जय भारत। मस्जिद और उससे लगे हुए हनुमान जी का जो मंदिर था पीपल के झाड़ के नीचे, उसके संदर्भ में जो मतभेद थे वो सारे समाप्त कर दिए गए हैं। रेलिंग जो हिंदू समाज के लोगों की डिमांड थी, मुस्लिम समाज ने उसको स्वीकार कर लिया है। मस्जिद के सामने जो कचरा घर था वो हटा लिया जाएगा और बहुत जल्दी आज जो सहमति पत्र पर दोनों पक्षों के पैरोकारों ने सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया है, हमने और कलेक्टर साहब ने भी उससे सिग्नेचर किया है। इससे पहले 1985 में वहाँ के स्थानीय विधायक माननीय स्वर्गीय श्री ओमकार तिवारी जी ने निर्णय लिया था और लोगों ने, दोनों पक्षों ने, हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों ने उसे माना था, और इस बार भी हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और इसको फॉलो करेंगे, ताकि अमन चैन और जो शांतिपूर्ण सस्तित्व का प्रदर्शन जबलपुर करता रहा है वो करता रहेगा और किसी भी तरीके का कोई विवाद और मतभेद किसी भी धर्मावलंबियों के बीच नहीं रहेगा। देखिए, आज बड़ी खुशी और मुसर्रत की बात है कि हमारे मोहतरमी आली जनाब कलेक्टर साहब, मोहतरमी आली जनाब एसपी साहब और हमारे, समझ लीजिए, मिलौनीगंज के जो भी सम्मानीय लोग हैं, सभी लोग आए और हमारी मस्जिद कमेटी के सदर साहब सलीम साहब, हाजी मकबूल साहब और तमाम लोग आए, जिसमें मतीन भाई भी रहे और कदीर सोनी साहब नहीं आ पाए। हम लोग में जो आज समन्वय बनाया एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने, तो मैं इन सब का धन्यवाद देता हूँ और जबलपुर की जनता से अपील करता हूँ कि जो हमारे चराई मस्जिद के बाजू से जो पीपल का झाड़ है उसमें जो आस्था है लोगों की और जो मंदिर है उसमें ग्रिल लगेगी, एक शेड लगेगा और हम लोग तम लोग मिलजुल कर ये काम करेंगे और किसी अखबार में कोई ना आए, हम एक हैं और हमेशा एक रहेंगे और भारत और संकारधानी की एकता को बनाए रखेंगे, कायम रखेंगे और हम हमेशा एक रहे हैं और एक रहेंगे, और जो उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा वो प्रशासन उसको समझे। हम सब भाई एक हैं, एक रहेंगे। खुदा हाफिज़। जय हिंद जय भारत।